तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें एलविश यादव एंड मैक्सटन के बारे में। तो भाई क्या कैरी मिनाटी ने एलविश यादव एंड मैक्सटन को अपने रिसेंट वीडियो में रोस्ट कर दिया? हाँ भाई, जो कैरी मिनाटी का कल वीडियो आया है ना, उसमें एलविश यादव एंड मैक्सटन को उन्होंने थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है, वो आप खुद देख लीजिए ना। गाइस आप भेड़िया का दोगलापन देख रहे हो? गुड़गांव में रहता है ना तू? आजा 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 आजा। अरे कितना चाटोगे, चलो खरगोश को मारने चलना। भाई देख लो, रिकॉर्ड कर रहा होगा। अब आप कोई ना अपनी सेना बुला लेंगे। भाई सेना नहीं आएगी, आपने उनका भी एड्रेस लीक कर दिया। अब आप कौन चूतिया मेरे अकाउंट का एडमिन है? आप ही हो भाई। ओ भैंचोद, यार तुम्हें कितनी बार बोला मुझे नशा करने से रोक लिया था। मैंने रोकने की कोशिश करी थी, आपने मेरे एड्रेस लीक करने की धमकी दे दी। अरे छोड़ो, गाड़िया निकालो, चलो। गाड़िया? भाई आप तो अकेले जाने वाले थे। चलना ही नहीं चलना, चलना ही नहीं चलना। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो चलो कूटे उसे। मीडिया भाई के सामने को तेरी बैंड की साढ़े ज्यादा ट्वीट करेगा। अरे भाई रुको 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 रुको, एंगेजमेंट बढ़ गई, एंगेजमेंट बढ़ गई। गाइस थैंक यू फॉर 1 मिलियन फॉलोवर। मैं और मीडिया भाई बचपन से दोस्त हैं बेचारा। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट भी है मैक्सटन एंड एलविश यादव के बारे में। तो भाई आशीष चंचलानी एंड हर्ष वेरीमाल ने एलविश यादव एंड मैक्सटन के कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा ट्रोल कर दिया ना, वो आप खुद देख लीजिए। तेज बिरादरी ले आऊंगा अभी की अभी, समझे? मुंबई में हो तो क्या हो? तेरे को याद दिला दो तू मुंबई में। अरे आओ तुम। अरे अभी रुको, मैं क्या करता हूँ देखना। तुम बॉक्सिंग मैच है अभी, स्टार्ट हो जाएगा अभी। गाइस अपडेट करता हूँ। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है UK07 रेडर एंड जेट प्रभजोत के बारे में। जेट प्रभजोत ने ना अपने व्लॉग में बोला था कि भाई UK07 रेडर इंडिया के नंबर वन मोटो व्लॉगर नहीं है। UK07 रेडर इसका रिप्लाई देते हुए कुछ ये बोले। मैं आपको एक्चुअली बता दूं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हूं, एंड मैंने वोटिंग भी नहीं डाली। बट ब्रो सेना इज ओजी, जहां पर भी उन्हें दिखता है ना कि भाई बाबू भैया की सपोर्ट की जरूरत है, वो वहां पर जाकर के कमेंट्स, वोट्स, लाइक, शेयर। मेरे को सच्ची भी नहीं पता था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। आई रियली कांट थैंक यू फॉर दिस। कहाँ से शुरू करा था गाइस, मैं किसी को यहाँ पर नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने ना मॉक करा है चीज़ों को लेकर के कि भाई ये तो नंबर वन मोटो व्लॉगर ऑफ द वर्ल्ड है, ये है वो है, नंबर वन मोटो व्लॉगर हम लोग हैं इंडिया के। एंड मैंने कभी किसी को आंसर नहीं करा। देखो लास्ट में लोगों का प्यार है जो तुम्हें नंबर वन बनाता है। ये अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें केवल लोगों का प्यार मैटर करता है। बट थैंक यू टू everyone जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा इस अवार्ड के लिए, एंड वी won इट guys, वी won the अवार्ड। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है एलविश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। एलविश यादव ने प्लेग्राउंड सीजन में फुकरा इंसान को ट्रोल कर, भाई फुकरा इंसान को थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे ना प्लेग्राउंड सीजन में, वो आप खुद देख लीजिए। आप खुद देखिए भाई, इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट कम रह रहा था, उसको डाल लें हम आगे। मैं कह रहा हूं कैरी जैसे सीजन 1 कौन जीता? सीजन 1 कैरी तो नहीं जीता था, कौन जीता था? पहला स्काउट जीता था, दूसरा कैरी नहीं जीता, दूसरा कौन जीता था? हाँ एक इंसान, ट्रिगर्ड इंसान। हाँ कह रहा हूँ एक इंसान से मैं जीता, एक इंसान से हारा। तो भाई कैसा लग रहा है आपको एक लूजिंग स्ट्रीक में आके? मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये वाला भी मैं हार गया ना, फिर तो मैं कल कहीं देखी देखी सी लग रही है। चश्मा निकालो। अरे अभिषेक भाई यार क्या पहले साइड हो जाते हैं, पहले इसको बात करना। आप लिपट लो, पहले निपट लो जो करना है। मैंने ना सर बहुत पहले भी डायलॉग लिखी थी, सालों साल मेहनत करी है मेरी जान यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब तो मेरी मेहनत को किस्मत का नाम देकर मुझे शर्मिंदा ना करना। पर तुम तो फुकरा इंसान जैसे दिखते हो। अरे सर तो एलिश्वर सिस्टम में टाइम लगाया भाई इन लोगों ने यार। ओ थैंक यू एलिश्वर भाई। गेमिंग तो कुछ तो होनी चाहिए यार, तुम्हारी गेमिंग ना सही नहीं लग रही मेरे को। कुछ तो गेमिंग हो भाई, ये तो ऐसे ही है भाई, मजा नहीं आ रहा भाई, मुझे माफ करना अभिषेक भाई वैसे सिस्टम के अंदर। तो चलिए भाई अभी हम लोग बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। भाई सौरभ जोशी के रिसेंट ब्लॉग में ना सौरभ जोशी को कई बंदे भाई नेगेटिव बोल रहे थे ना भाई, जब सौरभ जोशी ने अपना कैमरा ऑन किया तो वहाँ पे कुछ ये हुआ। बोलो हेलो, क्या हुआ? बोलो अब, बोलो ना, बोलो जो बोल रहे थे। अरे जो भी बोला। अरे अरे इधर तो है, अब मुंह नीचे क्यों कर रहे हो, इधर आके बात करो। उल्टा उल्टा बोल रहे थे, मैंने कहा मेरे पास आके बोलो अगर बोलना है तो, फिर चुप हो गए, फिर शांत। हाँ भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यहाँ पे आपको ऐसी YouTube कम्युनिटी के बारे में अपडेट मिलते रहती है ना। तो टेक केयर एंड बाय बाय।